हेलो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे ऊंची जगह में बने शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर का नाम है तुंगनाथ मंदिर, जिसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में 3460 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। माना जाता है कि इस मंदिर को पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से नाराज थे। तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए आपको चोपता तक अपने गाड़ी में ही आना होता है, फिर वहीं से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते ही होंगे कि मैं और मेरे दोस्त केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे। सो केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम सीधे तुंगनाथ महाराज के दर्शन के लिए चोपता आ गए। अगले दिन सुबह हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद तुंगनाथ का अपना 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक शुरू किया। अगर आप लोग कभी भी चोपता आओ तो यहाँ के पहाड़ी आलू से बने पराठे का जरूर मजा लें। तुंगनाथ का ट्रैक हमने सुबह के 9 बजे शुरू किया। अगर आप लोगों को तुंगनाथ में नाइट स्टे करना है तो आप वहां के लोकल लोगों के होम स्टे पर रात गुजार सकते हो। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि आप तुंगनाथ में कैंपिंग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का ये सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति बुग्याल यानी हरे घास के मैदान पर टेंट नहीं लगा सकता। तुंगनाथ ट्रैक की शुरुआत में आपको 1 किलोमीटर का घना जंगल पार करना होता है। वैसे ट्रैक करने वाले आप अकेले नहीं होते हो, सो घने जंगलों को पार करने में डर का एहसास नहीं होता। और घने जंगलों को पार करने के बाद आपको हरे घास का मैदान यानी बुग्याल दिखना शुरू हो जाता है। अब यहां से आपको 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। वैसे तुंगनाथ जाने का रास्ता काफी सेफ है, सो आपको सफर में थकान का एहसास नहीं होता। अगर आप लोगों को सफ़र में बोरियत आ रही हो या रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा हो तो आप बीच बीच में शॉर्टकट भी मार सकते हो।
और ये फाइनली 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करने के बाद हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। तुंगनाथ का दृश्य भी केदारनाथ की तरह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कभी केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाओ तो तुंगनाथ महाराज के दर्शन करना ना भूलें। अब हम तुंगनाथ महाराज के दर्शन और परिक्रमा करने के बाद थोड़ी देर यहीं रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर तुंगनाथ मंदिर में ठहरने के बाद हम चंद्रशिला टॉप के लिए आगे निकल गए। अगर आप कभी तुंगनाथ के दर्शन के लिए जाओ तो वहां से 1 किलोमीटर आगे स्थित चंद्रशिला टॉप भी जरूर जाएं। वहां से आपको प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर के लिए अपने मन में बसा लोगे। तुंगनाथ से चंद्रशिला जाने का सफ़र आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा जिसे मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।